शक के पार है हम पार आए। ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, प्लीज। वो सब मर गए मेरे लिए, सारे रिश्ते उस रात दफना कर आया। हर सालार मियां मुद्दे कभी जिंदा नहीं हुआ करते। हो गई आपकी तसल्ली? मुझे तेरी शक्ल नजर आनी चाहिए जूतों में। शीत राजम छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा। तू चाचा से अपने बूट पॉलिश करवा रहे। आज के बाद मैं स्टूडियो शूटिंग के लिए अकेली आऊंगी, आप मेरे साथ नहीं आएंगी। अगर आपको एतराज है तो बाली साहब को एडवांस वापस कर दीजिए, मुझे नहीं करना काम। ठीक है, नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। ऐसे नहीं, वैसे। चाचा मुझे माफ कर दे, मेरे होते हुए आपके साथ जाती हुई। बेटा खुश रहे, हमेशा कामयाब रहे। तो स्टोरी के बारे में आपने किसी को कुछ नहीं बताना, आपने बताया? मैं जाता हूँ जी, काफी टाइम हो गया मुझे, सेट पे भी पहुंचना है। मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करवाई जाए। हाँ बिल्कुल, हम तो रेडी हैं। तो क्या ख्याल है बेगम साहब, चले जाए? मेरे ख्याल है कुछ देर इंतजार कर ले, वो अफसर अली साहब आने वाले, उनका फोन आया था मुझे। बहुत अच्छा नहीं लगेगा अगर हम पहले से। हाँ बात तो ठीक है। अरे लीजिए, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाली साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अरे बस आपकी कमी थी, अब चले शुरू करें। आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए, चलिए 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 सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आज BHM के बैनर से हम एक बहुत जबरदस्त किस्म की फिल्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उसका ये इनॉग्रेशन है। इससे पहले कि मैं आपको फिल्म गुले राना के बारे में कुछ बताऊं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब अफसर अली साहब का। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमारी फिल्म की हीरोइन संदल फैज अली को इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने बहुत मेहनत की। ये नहीं, ये ना नारिया संदल, देखो कितना मजे का प्रोग्राम है। फैजली को इस पोजीशन में देखते हैं कि एक बड़ी फिल्म, एक बड़ी कास्ट के साथ एक बड़ी प्रोडक्शन को वो लीड कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा जनाब अफसर अली से कि वो बताएं कि संदल फैजली को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, इन्हें बतौर एक्ट्रेस कैसा पाया और फिल्म के बारे में क्या होप्स हैं आपकी। जनाब अफसर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। संदल फैज अली, जिनको आप सब लोग आज संदल अली के नाम से जानते हैं, मेरे पास मेरे एक देरीना दोस्त की सिफारिश से पहुंची थी। मैं उनका ऑडिशन लेने से पहले बहुत घबरा रहा था क्योंकि मैं अपने उस देरीना दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैंने इनका ऑडिशन लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक एक्टर इनके अंदर छुपा हुआ। अब फिर इनकी मकबूलियत के चर्चे आप सबने सुने, अब मुझे यकीन है कि बाली साहब को मजीद आगे लेकर जाएंगे। तो बाली साहब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। फिल्म के हवाले से कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा। अफसर साहब ने जो संदल अली पे मेहनत की है, मुझे उसमें बहुत खुशी है कि इतनी मंजी हुई फनकारा मुझे मिली हैं। तो वो रिजल्ट आप लोगों के सामने आ ही जाएगा फिल्म की रिलीज के बाद। हमारे दरमियान सितारा जी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि अपने ख्याल का इजहार करें। बहुत बहुत नवाजिश, वक्त से पहले तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगी, बस इतना ज़रूर है कि मेरी तमाम तर दुआएं और नेक तमन्नाएं आपकी फ़िल्म के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। और साथ ही मैं अपनी बच्ची संदल के लिए भी बहुत शिद्दत से दुआ करूंगी कि अल्लाह इसके रास्ते आसान करे और इसे मकबूलियत बख्शे। बस जी, आप सहाफ़ी दोस्तों में से कुछ सवाल करना चाहें हमारे पैनल से तो प्लीज़ गो अहेड। जिंदगी का इतना बड़ा तजर्बा है आपके पास, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको मुतासिर किया हो? जिंदगी में बहुत कुछ देखने का मौका मिला, बहुत से तजुर्बात हुए,
बहुत से लोगों से मिलना हुआ, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर मुझे वाकईतन बहुत फख्र है। हमारे तमाम तर मसाइब, हमारे घरेलू मसाइल, किसी तरह की भी आजमाइश आई, उस शख्सियत ने हमेशा मर्दानावार मुकाबला किया, और वो है मेरी प्यारी बेटी नगीना। मुझे फख्र है उस पर, और आज नगीना ही की मेहनत है कि संदल अली आपके सामने मौजूद है। दुआ कीजिएगा इनके लिए। आपकी दूसरी बेटी फिरोजा भी पाए की कथक डांसर थी, उनके हवाले से कुछ बताइए ना। फिरोजा का बचपन ही में इंतकाल हो गया, बहुत नौउम्री में अल्लाह को प्यारी हो गई बस। अरे सुन रहे हो तुम, ये क्या कह रही है? सुना है आपकी बेटी फिरोजा की एक औलाद भी है, कहाँ है वो आजकल? आपने गलत सुना है, मेरी बेटी फिरोजा बे औलाद थी। ये आखिरी एहसान भी तुमने मुझ पे कर ही दिया नानी, मेरा वजूद ही मिटा दिया। अब सितारा जान, फिरोजा जान, नगीना, केती, आरा, महज नाम ही रह गए मेरे लिए और कुछ नहीं। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं उस डांसर से, और अगर कोई बच्चा पैदा हुआ भी होता तो अब इस दुनिया में नहीं है वो, और आज तुम्हें इसका सबूत भी मिल गया, शुक्र अल्लाह का। मुझे यकीन नहीं है, पूरी दुनिया भी कहेगी ना तब भी नहीं मान सकता मैं ये बात। बेकार की जिद है तुम्हारी यूसुफ, अगर वो बच्चा आज जिंदा होता भी ना तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो औरतें तुम ऐसे ही छोड़ देती? महाना खर्च, शेयर्स, जायदाद सब कुछ वसूल कर लेती, और सारी उम्र की ब्लैकमेलिंग में तुम फंस के रह जाते। उस तबके की औरतों को सिर्फ पैसा दरकार होता है हर सूरत। फिरोजा का घराना ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। फिरोजा ने तो की थी ना, खानदान में इतना बड़ा तमाशा उठ खड़ा हुआ, इतना बड़ा ऊंचा खानदान, उसमें थर्ड क्लास। ये मेरा वहम ही सही, अगर मैं अपने खाब में जिंदा रहना चाहता हूं तो मुझे जिंदा रहने दो फॉर गॉड्स सेक। जी सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप इस वक्त? घर पे कोई नहीं है अभी। जी मैं इसीलिए आया, मेरा मतलब है कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब थे, सितारा बेगम, संदल जी, लेकिन आप नहीं थी। आपकी गैर मौजूदगी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, सोचा आपको खुद जाकर ले। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आइए ना। देखिए गीतियारा, अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे साफ साफ बता सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो असल में ये चाह रहा था कि आप मेरे साथ चलती, कुछ देर हम इकट्ठे गुजारते तो। आदाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद मलिक है और मैं बाली का बिजनेस पार्टनर हूँ। इस वक्त तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं है, आपने नाक जहमत की। जी मुझे मालूम है, सब वहाँ मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थे, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि गेतियारा को साथ ले जाऊँ अगर आपकी इजाजत हो तो। गेती आपके साथ नहीं जा सकती। लेकिन गेती कमरे में जाओ। मेरी मुबारक हो यूसुफ अंकल, अगले दो प्रोजेक्ट्स के लिए हम पार्टनर्स बन गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे लिए खुशी के साथ साथ फख्र और इत्मीनान का भी। सच कहूं तो
अरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। अब शर्मिंदा कर रहे हैं ना आप मुझे? खुदा आप दोनों के लिए इस मुआहदे को खैर का वसीला बनाए। आमीन। ये पेपर्स आप देख लें और बाकी जो डिटेल्स हैं वो प्लीज डिस्कस कर लें। वकील साहब आप जरा मेरे साथ तशरीफ लाए। थैंक यू सर। इतनी जिल्लत मैंने सारी जिंदगी नहीं सही जितनी उस सलार के हाथों उठानी पड़ी। घर से तो क्या, इस कमरे से बाहर निकलने के लायक नहीं छोड़ा उसने मुझे। वो तुम्हारे नौकर, हंसते हैं मुझ पे, तंजिया निगाहों से मुझे देखते हैं मुझे। कौन कर रहा है ऐसे, मुझे बता दो, मैं अभी इसी वक्त उसे निकाल दूंगी। जाने दो, तुम किसी एक को भी नहीं निकाल सकती, मगर हाँ सलार हमें किसी दिन इस घर से जरूर निकाल देगा। कुछ नहीं कर सकती तुम जरताज, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तभी तो उन मुलाजमों के सामने जलील हुआ मैं। तुम मान लो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी, कुछ भी नहीं हो तुम। बकवास बंद करो। वैसे तुमने जो नबील के साथ किया बहुत खुशी हुई मुझे, वो यही डिजर्व करता है। उसका सरताज की जिंदगी में होना मेरे लिए बहुत तकलीफ का बायस। देखें यूसुफ अंकल, जरताज आंटी या वो उस नबील से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे घर में इस किस्म की कोई हरकत हो। एनीवे आई थिंक अब उसको अकल आ गई होगी। इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन है, कहां से आया है, कुछ पता नहीं है। खैर वो मैं देख लूंगा। तुम क्या जा रहे हो? एक्चुअली वो किसी से लगता है कोई इंतजार में। कॉफी? श्योर। तुम अकल से काम लेते तो बात इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन तुम्हें तो हुक्म चलाने की बीमारी हो गई है। अब तुम खामोश होकर बैठो, सालार को जाने दो। जिस मेस को तुमने क्रिएट किया मैं उसको सही करूंगी। अब मैं एक तरफ होकर बैठने वालों में से नहीं दरताज, अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर मैं नहीं रहूंगा, और ये बात मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ। सालार को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा मैं, वो हशर करूंगा उसका। तुम कुछ नहीं करोगे, अब खामोश होकर बैठो। तुम एक काम करो, चंद दिनों के लिए शहर से चले जाओ। जब सालार चला जाएगा फिर तुम वापस आ जाना, जब तक सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाएगी। नानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कहा कि फिरोजा खाला पे औलाद थी? आज ही फिरोजा ने जो गम दिया है खाला को, वो नहीं चाहती कि उस राह की धूल उड़ाई जाए। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, कयाम ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसका गुनाह और उसका वजूद दोनों वो हकीकतें हैं जिन्हें छुटलाया नहीं जा सकता। खैर नानी ने जो कहा कुछ सोच कर ही कहा होगा। कल सुबह होते ही घर चला जाऊंगा, कुछ दिन के काम बंद का हूँ। क्यों, छुट्टी पे जा रहे हो क्या? छुट्टी कैसी कायम भाई, जरूर अब्बा ने कोई दूसरा काम ढूंढ लिया होगा मेरे लिए। अच्छा आप चले ना मेरे साथ। मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ जाकर, और तुम कहाँ रखोगे मुझे, अपने घर पे? रह तो सकता है आप मेरे घर, लेकिन अब्बा बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको। लेकिन मैंने आपके लिए एक दूसरी जगह ढूंढी है। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। दिल न लगे तो वापस आ जाइएगा, वैसे वो जगह बहुत अच्छी लगेगी आपको। ऐसा भी क्या है वहाँ? चलेंगे तो पता चलेगा ना, कल इतवार है, छुट्टी होगी, बस चले। किसकी छुट्टी? माज भाई की, बड़े अच्छे इंसान है, स्कूल चलाते हैं वो। आपके मसले का हल निकाल देंगे, आप कब तक रहेंगे यहाँ? चल मिलते हैं फिर तेरे मास भाई से। अम्मा आपने देखा, सब कितने खुश हो रहे थे।
कल तो हमारा पूरा घराना चमक रहा था, मुझ समेत। टीवी वाले, अखबार वाले तो कैमरा ही नहीं बंद कर रहे थे। कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सब आपके और संदल के साथ तस्वीरें खींचने को बेताब थे, है ना? अरे बस करम है उस मालिक का, वरना हमारी क्या औकात है भाई। खाला दिलदार वालों की तो शक्लें देखने वाली थी, कोई पूछ ही नहीं रहा था उन्हें। क्यों पूछे उन्हें कोई भला? ऐसा क्या काम कर लिया उन्होंने? उल्टे सीधे काम करके चार पैसे कमा लेने से कोई चार चांद नहीं लग जाते। अरे अरमाज जैसी नाचने वाली है तो इस शहर में भरी पड़ी है, उठ उठ के उन्हें कोई क्यों सलाम करेगा? बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। सही तो कह रही हूँ अम्मा। आपको पता है कल जब बाली साहब ने संदल को नई गाड़ी की चाबी दी ना, सारियों के मुंह उतर गए थे। हमें बताइए, हम तलाश कर देते। नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो ही गाड़ी देख रही थी जी। कैसी लगी? हाँ ठीक ही है, हमने तो खैर अल्लाह के फजलो करम से सारी जिंदगी सैकड़ों गाड़ियां देखी, लगी ना बेचारी के लिए ठीक है, उसने देखा ही क्या जिंदगी, धक्के ख्वारी। चलो अच्छा, उस बदनसीब की भी जान सुख में आ जाएगी। हाथ नहीं लगाइए, धब्बा पड़ जाए। बहुत बड़बड़ के बातें नहीं कर लेगी उस्ताद जी। आदाब। मुझसे तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, मैंने तो फौरन मौके का फायदा उठाते ही फट से उनकी तस्वीर ले ली। अरे कसम से, दिखाएं दिखाएं। हाँ हाँ ये देखो अम्मा, आप भी देखें। ये क्या हरकत है भाई, कोई देख लेता तो क्या कहता, और अगर वही देख लेती तो कयामत बर्पा कर देती वो। अब इतनी भी कच्ची नहीं हूँ अम्मा कि पकड़ी जाती। बाकी तस्वीर तो बहुत अच्छी है, अखबार में छपने लायक है, है ना? अच्छा बस अब रख दे फोन और मिटा दे तस्वीरें, कोई जरूरत नहीं किसी को दिखाने की, बेवकूफ। अरे नहीं ना अम्मा, इतनी प्यारी तस्वीर है, कसम से किसी को नहीं दिखाऊंगी। वाह तुम लोग भी हद होती, बच्चों वाली हरकतें, इतने बड़े बड़े बच्चों की माए बन गए। बस चाहिए रख क्या? खैर जवाब तो हम भी बहुत करारा से दे सकते हैं, लेकिन बच्चों का लिहाज है। खैर देंगे देंगे वक्त आने पर, उधार रहा हम पर। जरूर दीजिएगा, हम उधार वापस भी लेंगे। अब तशरीफ ले जाइए। यूसुफ अंकल, आप तो बहुत पहुंचे हुए शख्स निकले, जो लोगों का चेहरा पढ़ के उनके दिल का हाल बता सकते हैं। आपसे तो डरना चाहिए। सबके दिल का तो नहीं, लेकिन मोहब्बत करने वालों को पहचान जाता हूं मैं। वो भी शायद इसीलिए कि किसी जमाने में आपने भी किसी से सच्ची और गहरी मोहब्बत की होगी। देख ले फिर मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला ना। क्या बात है, दो मोहब्बत करने वाले अभी आमने सामने बैठे, क्या हसीन इत्तेफाक है। लेकिन खुदा ना करे जो तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम भी मेरी मोहब्बत जैसा हो। क्या हुआ था आपके साथ? फिर सही, तुम बताओ क्या बहुत मोहब्बत करते हो उस लड़की से? शाबाश। लीजिए संदल जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे घर ड्रॉप किया, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कैसी बातें कर रही हो संदल, ये तो मामूली सी बात है। अच्छा आप चाय पी के जाइएगा, कॉफी, आपको कॉफी पसंद है ना, कॉफी बहुत अच्छी बनती है हमारे यहाँ। नहीं अभी जरा मैं जल्दी में हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम सही। बस एक सेकंड वेट कीजिए, मैं स्क्रिप्ट लेके आती हूँ। श्योर। sure.
अरे नगीना बाजी आए यार, आप आए ना। अरे आए नगीना बाजी, अरे आए ना नगीना बाजी, आए ना। आपके बिना मजा ही नहीं आता, आप तो यहाँ की रौनक है। कहाँ गायब थी आप? मैं घर पे होती हूँ बेटा, काम होते हैं ना। आपके बिना तो दिल्ली नहीं लगता यहाँ पर। सादिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं होता। एक जमाना हो गया तुम्हारे साथ को, यकीन जानो जब भी संदल पे नजर पड़ती है ना तब तुम्हारी बड़ी याद आती है। कहाँ गायब रहती हो तुम? बाजी कोई नया घर तो नहीं बसा लिया चुपके से? अरे नहीं भाई, तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा अब आप लोग अपना काम करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे अरे सुनो तो नगीना। अरे बात सुनो, हमें भी तो दो स्टेप दिखा दो ना, वही वाले। कौन से वही वाले? अरे वही जिन पर तुम्हें खूब डांट पड़ती थी उस्ताद जी से। अरे बाजी अब क्या बुढ़ापे में आप मुझसे डांस करवाएंगी? मुझसे नहीं होता डांस। नहीं, नहीं। मास्टर क्या करेगा जो तुम करके दिखाओगी, चलो जरा करके दिखाओ। तो ना। ऐसे ना करे बाजी, आप मुझे मास्टर से तो ना मिलाएं। अरे आज बड़ा दिन है, आज को हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चलो बैठते हैं। चलो ना नगीना, थोड़ा सा। चलो बाजी। कोई हाल नहीं है आप लोगों का। आ जाओ लड़कियों, बैठो। जी उस्ताद जी, इजाजत। माज़ सुने ना माज़ भाई एक बात। साजिद देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त बहुत मसले चल रहे हैं, ऐसे में मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ अभी, सॉरी। माज़ भाई आप उनके जैसे कोई परेशानी नहीं होगी, वो बिल्कुल अकेले हैं, आपके काम भी आएंगे। इतने जल्दी किसी से मुतासिर नहीं हो जाते हैं बेटा, क्या हो गया तुम्हें? अच्छाई बुराई किसी के माथे पे नहीं लिखी होती है, किसी भी अजनबी पे इतने आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्याम। अच्छा तो ख्याम, साजिद ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें रख लूं अपने साथ स्कूल में, लेकिन मैं समझ सकता हूं, साजिद तो बच्चा है। अगर आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, चलता हूं। कहां जाओगे? पता नहीं कहीं भी, मेरा क्या है? वाह 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 वाह, नहीं मिला मुझे, मैं पक्का सेट पे ले आऊंगी। ये सब क्या हो रहा है संदर? ये सब घुंघरू खेल तमाशा क्या है ये? मैंने तुमसे कहा भी था नगीना को सख्ती से मना कर देना, लेकिन तुमने शायद उसे कहा ही नहीं। वो मैं सर मुझे ख्याल नहीं रहा, अब ये सब हमारे घर में नहीं होता है, और नाचने गाने के कुछ कवायद होते हैं, अब वो भी यहाँ पे नहीं होता। मैंने करोड़ों रुपए लगाए हैं तुम पे संदल, और तुम्हारा ये खानदान उसे डुबोने पे तुला है, खुद पर से बाजारी छाप उतारने को तैयार ही नहीं है। असलियत छूटे भी तो कैसे सर। बस बस बहुत हो गया, बेटा संदल बस खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। हाँ ना, शाबाश, चलो ये पानी पी लो। क्या मुसीबत है, नहीं पीना मैंने पानी वानी, हर वक्त सर पे सवार रहती है मेरे, दफा हो जाए यहाँ से। अरे कैसे बात कर रही हो तुम श्यामा से, बुरी बात बेटा। देखो बेटा मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, सारी गलती मेरी है,
पता नहीं मुझे अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? वो सारी मुझसे मिलने आ गई थी और फिर लड़कियों ने कहा मुझसे, कहा मैंने आपसे कि बारी साहब ने साफ मना किया यहाँ पे नाच गाना नहीं होगा, कहा था ना मैंने। नगीना, संदल ने कुछ ऐसा बताया था तुम्हें पहले क्या? इनसे तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती नानी, लेकिन आपको तो ख्याल करना चाहिए था। पाली साहब ने साफ कह दिया था कि यही सब चलता रहा तो अगली फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे मुझे, फिर करते रहे सब नाच गाना। जिंदगी कहां से शुरू हुई और मुझे कहां ले आई, ये बताना और समझाना मेरे बस की बात नहीं है माज। बस इतना समझ लो, ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना, ना घर है ना कोई घर वाला। इस खंडर नुमा जिस्म में एक सांस चलती है और बस बस यही मेरी पहचान है। तुम्हें इंसानों की बेलौस मोहब्बत करता देखकर जी तो चाहता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, लेकिन कैसे, मैं शायद इस काबिल नहीं हूं। जमाने की सख्तियों ने खयाम को एक छोटा मोटा बागी बना दिया है, लेकिन कभी तो उसके अंदर का एक मासूम इंसान बाहर आएगा। मैं खयाम को तन्हा नहीं छोड़ सकता। है नगीना, अगर तुम्हें इसने बताया था कि बाले साहब ने क्या कहा तो तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था बेटा। अच्छी तरह जानती हो तुम यहाँ की ऊंच नीच को, ख्याल क्यों नहीं रखा? खामखा मुझे भी बुरा बनवा दिया तुमने। अम्मा मैं माफी मांग लूंगी बाली साहब से कुछ जाके, आप फिक्र ना करें। संदल बेटा, तुम्हारे करियर को दाव पे नहीं लगने दूंगी। अम्मी आपको क्या हो गया, आप किसी से क्यों माफी मांगेंगी? आपकी लड़की का तो दिमाग। चुप करोगे थी, चुप चुप करो। जब किसी बात का पता नहीं होता ना तो बीच में मत अपनी टांग अड़ाया करो, बस चुप रहो। नानी, हाँ भाई शागरा, देखो अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। कैसे गैब से मदद की है ना मेरे मालिक ने, पैसे मिल गए इन्हें, शुक्र है मेरे मालिक का सब काम बन गए। वैसे अब्बू आप जैसा बाप होना तो बहुत मुश्किल है। पता है अब्बू, आपके बच्चे तो आपका दिया नहीं दे सकते, और आपको पता है इजाज के घर वाले की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी जब सब कुछ देखा उन्होंने। मैंने कहा दो ट्रक और भी आ रहे मैंने पेमेंट उनके घर भिजवा दी है और कहा कि बाकी सामान भी सीधा उनके घर पहुंचा दे। अरे कोई मेरे सलमान को भी तो खबर दो, परेशान हो रहा था वो बेचारा। कोई जरूरत नहीं उसे खबर देने की, जानबूझकर गायब है ताकि उसे काम ना करना पड़े। बेफैज औलाद है, अब तक नहीं समझी हो तुम? खुशी का मौका है, गुस्सा तो ना करें, बस रहने भी दीजिए। ये क्या सिर्फ यही चाय लाए? तुम थोड़ी केक भी पी तो ले आती हो, थोड़ा बिस्किट भी ले आती। अच्छा मैं कुछ समोसे और बिस्किट भी लेकर आती हूँ साथ में। तुम्हारे अब्बू के मेहमान कम थे जो तुम भी शुरू हो गए हो? अगर ऐसा ही था तो उसको भरो भर चाय पिला के रुखसत करते ना, घर लाने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे अब्बू की तो चाय भी खाली नहीं होती। मैं आहिस्ता बोलिया, आहिस्ता बोलिया, क्या हो गया? कुंदर आवाज जाएगी ना, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है? शर्मिंदा होंगे तुम्हारे दुश्मन, बल्कि तुम देखना अब शर्मिंदा के साथ साथ बर्बाद भी होंगे। मेरे दिल से बद्दुआएं उनके लिए। ओफो, ओफो, अच्छा ठीक है ठीक, फिर से वही बातें मत करें आप। रबी यार तुम प्लीज चाय ले। माज मेरी बात। अम्मी आप भी कमाल करती हैं, क्यों करती हैं आप माज से ऐसी बातें, सच्ची नहीं लगती? हाँ भाई, इजहार भाई के बारे में तो कुछ भी कह लो, हमारे घर में तो किसी को पसंद ही नहीं है, क्योंकि सबको फरिश्ता बनने का जो शौक है, और वो जो हमारे पूरे खानदान पर कीचड़ उछाल कर चलेगा वो किसी को नजर नहीं आता। मेरी बात सुनो, मैं तो हूँ गुनहगार इंसान, अगर मेरा दिल दुखेगा तो मेरे मुंह से बद्दुआ भी निकलेगी, चाहे कोई कुछ भी कह ले। या? ओ जी। चाय ले आओ। हाँ।
नहीं नहीं श्यामा, तेरा तो दिमाग खराब हुआ भला, संदल हमें छोड़ के क्यों जाने लगी? वैसे ही अपनी अलमारी ठीक करी होगी, उसको आज फुर्सत थी बहुत दिनों बाद। कसम से खाला, इतने बड़े बड़े बैग में सामान रख रही है, वो पूरी अलमारी खाली कर दी है, आप खुद चल के देख लें। अम्मा वो कहीं घर तो नहीं छोड़ के जा रही? जरूर गुस्से में होगी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरे तो नसीब भी बुरे हैं। एक दिन के लिए खुशी आती है और अगले दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। सबर कर नगीना, जरा जरा सी बात पर हाथ पांव फुला लेती अपने, इस उम्र तक तुझमें तहमुल नहीं आया तो फिर कब आएगा? मैं बात करती हूँ संदल से। अम्मा क्या गेती के नसीब भी मेरे जैसे? क्या वो भी सारी जिंदगी मेरी तरह ठोकरें खाएगी? आप जानती हैं वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नगीना मैं उससे जाके बात करूंगी। अरे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गई। गुड न्यूज है भाई, इसी हफ्ते मुझे अपनी नई कोठी में शिफ्ट होना है। चले भाई अपनी अपनी पैकिंग कीजिए जल्दी जल्दी। हाँ एक और बात, यहाँ की सारी बातें यहीं पे छोड़ के जानी होंगी, आप लोग समझ रहे हैं ना? सलाम अहमद, मैं माज का वालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माज ने आपको बताया होगा मैं? अरे माज आपके बारे में सब कुछ बता चुका है, आप माज के दोस्त हैं ना? जी हाँ। रात कैसी रही? अपने घर जैसे। माजर चाहता हूँ बिना बताए आप लोगों के यहाँ इस तरह रहने आ गया, मेरी वजह से बहुत सहमत हुई होगी। जहमत? जहमत कैसे हुई है? मेहमान तो सरापा रहमत होते हैं। अच्छा बेटा मैं ये कहना चाह रहा था। बेटा ये माँ के दोस्त हैं और ये मेरी बेटी है रबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इनके कमरे में चाय लेकर गई थी लेकिन ये थे ही नहीं। अरे तो बेटा अभी इन्हें दे दो। लेकिन अबू ये चाय तो आपके लिए है। अरे बेटा मेरी खैर है, ये मेहमान है, पहले मेहमान को चाय का पूछते हैं। बेटा दे दो। शुक्रिया। ठीक है बेटा फिर मुलाकात। अब मुझे तो एक कप चाय बना दो। जी। अगर किसी को एतराज है तो शौक से आ रहे, मुझे कोई मसला नहीं। अरे मुबारक हो खाला, मुबारक हो बाजी, हमारी संदल को कोठी मिल गई। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। नहीं शामा रुको, ये खबर सबको मैं खुद दूंगी। अम्मा आपने देखा, मैं खामखा ही अपनी बेटी पे शक कर रही थी, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। आपने देखा गुस्से में भी मेरा साथ ही छोड़ा उसने। केती ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके अपनी पैकिंग करो, क्या जाना नहीं है? जाओ शाबाश। अब तो हम लोग भी अपनी कोठी में रहेंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ओए अल्लाह इतना शदीद मर्दाना हाथ बाजी आपका। टूटे हुए हाथों से क्यों दबा रहे हो, सही तरह से दबाओ। चलो अब जाना नहा के कपड़े बदल ले, मां से भी नाराज है क्या? चल ना मेरी जान। खाला जी आपको पता है? बस मुझे नहीं सुनना कुछ भी, चुप कर तू। मेरी बात तो सुनिए। बस क्या बात है, तू क्यों देख रही है ऐसे मुझे? जानती हूँ, बताए मुझे कि तेरा दिल दुखा हुआ, फिक्र ना कर, एक एक चीज का हिसाब बराबर कर दूंगी, बस थोड़ी देर रुक जा।
जाने दो अम्मा, वो तो बच्ची है उसके लिए परेशान हो रही हो। तुम सोच सकती हो कि मेरे दिल पे क्या गुजरी? वो नगीना जो माँ बाजार से रेड़े के ऊपर से कट पीस उठाकर सूट बनाती थी, अब जामावार की साड़ियां पहन रही है। मुझे एक बात तो बताओ, तूने कहा था सितारा खाला के पास एक छल्ला नहीं है सोने का, फिर हर जश्न हर मौके के ऊपर कैसे नया सेट आ जाता है, कहाँ से आता है अम्मा? गुलनाज, इतनी भोली मत बने गुलनाज बाजी। आपने वो मिसाल नहीं सुनी, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, और सितारा जहाँ का आज भी इस बाजार में बहुत नाम है। अरे चंपा बेगैरत, बकवास बंद कर, अगर खैरियत चाहती है तो एक फिटकार मारी नमक हराम, दबाओ यहाँ से। नानी इस बिचारे पे क्यों बरस रही हैं आप? बल्कि ठीक ही तो कह रही है चंपा। हर अम्मी आप, आपको तो उस महफिल में कोई जानता तक नहीं था, बल्कि सबके सब वहाँ पे थर्ड क्लास लग रहे थे। न जाने क्यों आप लोगों की बातों में आगे चली गई उनके घर, खुद को जलील कराने। चल चल उठ यहाँ से, उठ निकल, और तुम भी दफा हो जाओ। अरे मना लेने दे, खुशियां 4 दिन की तो बात है, फिर क्या है? फिर तो वही अंधेरी रात है जो बरसों से सितारा बाजी के कोठे पर छाई हुई। अरे इनके खुशियां रास कहां है? खुशियां नहीं इनके नसीब में। और मैं, अरे मैं वो दिलदार जान हूँ जिसने बजाते खुद फिरोजा जैसे हीरे को सितारा बाजी से छीन कर यूसुफ कमाल को दान कर दिया था। मुझसे कौन छुपा हुआ है? अरे कोई पहचाने ना पहचाने, मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। शब के पास